जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे सर हमने कोर्स कैसे सेलेक्ट करना होता है, ये यूनिवर्सिटी देती है। जी पहले सेमेस्टर में आपको यूनिवर्सिटी देती है कोर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन, ठीक है वो करके देती है, लेकिन इस सेमेस्टर में आपने कोर्स कैसे सेलेक्ट करना है डू नॉट वरी, अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए मैंने एक बच्चे का LMS ओपन किया हुआ है, तो आपने क्या करना है कि मोबाइल पे ओपन कर लें या कंप्यूटर पे ओपन कर लें। तो आपने ये तीन डॉट लगे हुए हैं, जो ये तीन डॉट लगे हुए ये तीन लाइनें, इसको क्लिक करना है और नीचे आ जाना है, सबसे नीचे आ जाना है। तो वहाँ पे लिखा होगा कोर्स सिलेक्शन, यहाँ पे जाके आप अपना कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई कंपार्ट नहीं है, ठीक है, तो फिर आपने यहाँ से जो ये पॉइंट्स होते हैं ये देखें ऑन ऑफ करने होते हैं। तो जो आपको अच्छी बुक्स लगती है वो अच्छी कर लें, जैसे कि इस बच्ची ने ये किया हुआ है सिस 201 सेकेंड सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स 2401 और जो कि आगे इंग्लिश उसने नहीं ली हुई और तीन सब्जेक्ट पीछे से उठाए हुए हैं, तो टू ये उठाए हुए हैं क्योंकि उसकी कंपार्ट थी। तो आपकी अगर कंपार्ट नहीं है तो यहाँ से वो पांच सब्जेक्ट आपको दे देगा, वो आप पांचों को पांचों सेलेक्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज़ कोई और अच्छा लग रहा हो तो इससे आप कर सकते हैं। ओल्ड जो कोर्स होता है उस पर अभी ऑप्शन आ रहा होता है कि आपने वो भी कोई कोर्स सेलेक्ट करना है या नहीं करना। ये छोटी सी वीडियो थी जो आप देख लें, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। कि दोबारा से आपको बता दूं तो आपने क्या करना है, आपने पहले होम पे तो होता ही है, पहले ऑलरेडी आप होम पे होते हैं तो जब ये शो हो रहा होता है, तो आपने ये तीन लाइनें आपने क्लिक करनी है और उसके बाद कोर्स सिलेक्शन पे चला जाना। तो नीचे आपका सारा का सारा जो कि नीचे जाएंगे शेड्यूल शो हो रहा होगा आपकी CGPA शो जो करने के बाद आपने ये देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है सेव सिलेक्शन, तो आपने इसको दबा देना है, आपका कोर्स सिलेक्शन हो जाएगा और थोड़ी देर बाद आपके जो बुक्स हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगी। ओके अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।